Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS MBBS Lectures. Today our topic is related to community dentistry, treatment and prevention of dental fluorosis. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch the video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस हम पढ़ेंगे और प्रिवेंशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस पढ़ेंगे. जैसे कि पहली वीडियो में हमने जो है डेंटल फ्लोरोसिस की डेफिनेशन, उसकी काजेस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली. सेकेंड वीडियो में जो है हमने डेंटल फ्लोरोसिस की जो है इंडाइसिस पढ़ी, वो मेथड्स इंडाइसिस जिसके जरिए डेंटल फ्लोरोसिस को हेयर करते हैं. और आज की लास्ट वीडियो है डेंटल फ्लोरोसिस की, जिसमें हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस. तो ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस उसकी ग्रेड्स के लिहाज से हैं, जो डीन फ्लोरोसिस इंडाइसिस के ग्रेड्स है उसके लिहाज से. अगर वेरी माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग. उसने सिर्फ ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करके वो ट्रीट हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर वेरी माइल्ड फ्लोरोसिस हो. लेकिन अगर माइल्ड फ्लोरोसिस हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले एसिड एचिंग करनी है, फिर आपने ब्लीचिंग करनी है. तो माइंड में क्या करते हैं, एसिड एचिंग बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड ब्लीचिंग बाय 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड. सबसे पहले आपने एसिड एचिंग करना है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, फिर आपने ब्लीचिंग करना है 30% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड से. तीसरा, अगर फ्लोरोसिस मॉडरेट हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एसिड एचिंग एंड लिबियल विनी रिस्टोरेशन. उसमें हम एसिड एचिंग करेंगे और टूथ की लिबियल सरफेस पर, जो बाहर की तरफ दिखाई देती है लिप की तरफ, उस लिबियल सरफेस पर हम विनीर रिस्टोरेशन देंगे, एक एस्थेटिक कवर देंगे जिसको विनीर रिस्टोरेशन कहते हैं. तो ये है मॉडरेट फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट है. दूसरा है सीवियर. सीवियर फ्लोरोसिस अगर है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्रोन प्लेसमेंट करेंगे, पूरे टूथ के अंदर क्या करेंगे, क्रोन प्लेसमेंट करेंगे. अब मॉडरेट में हम क्या करते हैं, मॉडरेट में जो हमारे साथ टूथ का सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल टूथ का ये हमारे साथ लिबियल सरफेस है, सिर्फ लिबियल सरफेस पर हम कवर देते हैं जिसे कहते हैं विनीर. बाकी सरफेस ऑफ फ्लोरोसिस होगा जो लिबियल सरफेस है, जो बाहर से लोगों को दिखाई देती है एस्थेटिक पर्पज के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लिबियल सरफेस पर एस्थेटिक मटेरियल की क्या लगाएंगे, विनील लगाएंगे, जैसे कि जिरकोनिया के लगाएंगे या और मटेरियल के लगाएंगे, पोर्सिलिन के लगाएंगे. तो बाहर सरफेस से लोगों को दांत उसके फ्लोरोसिस वाले दिखाई नहीं देंगे, लिबियल सरफेस पे होंगे वो तो बाहर से दिखाई देते ही नहीं है. तो ये हुआ मॉडरेट में. और सीवियर में क्या करेंगे, ये हमारे साथ टूथ है, अब इसमें हम कंप्लीट क्या देंगे, इसमें हम कंप्लीट रिस्टोरेशन देंगे, कंप्लीट लिबियल सरफेस, डिस्टल सरफेस, मिजियल सरफेस, लिंगुअल सरफेस, कंप्लीट एक क्रोनम प्रिपेयर करेंगे और टूथ पर लगाएंगे. ये हुआ सीवियर केस, ये हुआ मॉडरेट केस. अब अक्सर क्या होता है, मतलब किसी से आप पूछो डेंटल फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, वो कहता है ब्लीचिंग. कोई कहता है मेरे दांतों पे दाग है, कैसे रिमूव होंगे, हम कहते हैं ब्लीचिंग. ब्लीचिंग सिर्फ और सिर्फ माइल्ड के केसेस में करते हैं, बाकी मॉडरेट में विनीर लगाते हैं, सीवियर में क्रोन प्लेसमेंट करते हैं, और अगर वेरी माइल्ड हो तो हम पॉलिशिंग से ही काम चल जाएगा, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से. लेकिन ब्लीचिंग कहाँ पर करते हैं, माइल्ड के केस. तो ये हमारे साथ हुआ ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस. अब हमारे साथ है प्रिवेंशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस. ये डेंटल फ्लोरोसिस को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये शुरू से हो ही ना. तीन तरीके हैं. सबसे पहले, अगर हमें पता है किसी एरिया की वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम क्या करें, हमारे जो बच्चे हैं बर्थ से लेकर 5 साल तक उसको हम वो पानी ना दें, अल्टरनेट वाटर उसको दे दें, तो एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि वो पॉपुलेशन जिसमें माल न्यूट्रिशन हो या हाई फ्लोराइड कंटेंट हो वाटर में या उनकी डाइट में, उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको हम चेंज करें, इम्प्रूव करें.
एक ही तरीका है। तीसरा ये तरीका है कि हम डीफ्लोराइडेशन करें, मतलब हमें पता है कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, तो हम उस पानी से फ्लोराइड को रिमूव करें, जो हाई कंटेंट है वो रिमूव करें। कहाँ तक लाए? 1 parts per million, 1 ppm तक लाए। लेकिन ये जो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए फ्लोराइड को वाटर में जो फ्लोराइड का ग्रेड है, लेवल है, परसेंटेज, उसको कम करते हैं, इसे कहते हैं डीफ्लोराइडेशन। इसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, डोन ग्रेडेशन ऑफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन वाटर इज कॉल्ड डीफ्लोराइडेशन। लेकिन ये क्या है, कॉस्टली प्रोसीजर है, इस पर खर्चा बहुत आता है। तो पहला प्रिवेंशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस क्या है, अवॉइड वाटर कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ एज। दूसरा क्या है, इन पॉपुलेशन विद माल न्यूट्रिशन एंड हाई फ्लोरोसिस कैन मिनिमाइज बाई इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तीसरा क्या है, बाई डीफ्लोराइडेशन अप टू 1 ppm। लेकिन ये क्या है, कॉस्टली प्रोसीजर है। तो ये हमारे साथ डेंटल फ्लोरोसिस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस कंप्लीट हुआ। तो आज हमारे साथ डेंटल फ्लोरोसिस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।